हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल देन मेक योर लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन। ओके, सो आज की जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा। सो फर्दर एनी दो बकबक को बंद करते हैं, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो, जंप इन द वीडियो। ओके ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है इन दोनों फेस मास्क के ऊपर। ये मैंने पहले ही खरीद लिया था, बहुत पहले, ये करीबन खत्म होने की तरफ है। और ये जो है ये मुझे एज अ गिफ्ट पर्पल की तरफ से मिला है, मैं परचेस किया था तो उसके साथ एज अ गिफ्ट मुझे मिला है। वैसे तो मैं मुझे कोई मतलब कि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस ये जो दो फेस मास्क है ये अप्लाई करने से पहले मेरा जो फेस है मैं इसको वॉश करके आ चुकी हूँ। और मैं जो जिस फेस वॉश से मेरा फेस को वॉश किया है उसका मैं जो पिक्चर है वो स्क्रीन पे दे दूंगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो वीडियो देखने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जो वीडियोस है, एक हॉल वीडियो है और एक शीट मास्क का वीडियो था, दोनों में ही मैं उस फेस वॉश की बात कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख सकते हैं वीडियोस भी। फेस को वॉश करके आ चुकी हूँ। अब अगर आप चाहे तो स्क्रबिंग भी कर सकते हैं इसे अप्लाई करने से पहले, आपकी जो फेस है उसको पूरी तरीके से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो एकदम क्लीन होती है। तो इसका जो गुडनेस है, कोई भी चीज आप फेस पे अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आपकी जो फेस है उसको नीट एंड क्लीन कर लो, ताकि उसका जो गुडनेस है आपकी स्किन पूरा एब्जॉर्ब कर सके, वरना नहीं कर पाएगी। पोर्स अगर ब्लॉक हो के रह जाएगा या तो फिर ऑयली ऑयली रह जाएगा तो स्किन जो है वो चीजें एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो मेक श्योर आपकी जो फेस है उसको पहले अच्छी तरीके से क्लीन कर लो, देन कोई भी प्रोडक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लीन करने के लिए दो दिन पहले ही स्क्रबिंग कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आज स्क्रबिंग नहीं किया है, जस्ट फेस वॉश किया है। और फेस वॉश करने के बाद ही मैं ये दोनों प्रोडक्ट अप्लाई करूंगी। सो मैं अब डायरेक्ट इस प्रोडक्ट पे आती हूँ। ओके, तो ये है गुड वाइब्स का ग्रीन टी रिजुविनेटिंग फेस मास्क। एंड इसका जो क्वांटिटी है ये है 50 ग्राम्स एंड नो पैराबेंस, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री है। और इसका जो एमआरपी है यहाँ पे दिया हुआ 225 रुपीज का एमआरपी है। और यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स है ये है, यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स है ये है प्यूरिफाइंड वाटर, ग्लिसरीन, टीसोडियम, ईडीटी। मैं जो लिंक इसकी दे दूंगी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके बारे में सब कुछ डिटेल सबको वहां पे मिल जाएगी। तो ये पहले तो आता है ये ऐसे एक प्लास्टिक पैकेजिंग पे, और इसका जो लीड है ये एक प्लास्टिक है लेकिन इसका ऊपर ये गोल्डन कलर का एक कोटिंग किया हुआ होता है गुड वाइब्स का, क्योंकि पता नहीं देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनका जो ये जो प्लास्टिक का टब है ये ब्राउनिश कलर का है एंड उसके साथ ये गोल्डन कलर का कैप होता है। देन इसको खोलेंगे तो इसके भीतर भी एक ऐसा कैप मिलेगा जो इनर कैप होता है जो सेफ्टी के लिए होता है। और आप देख पा रहे हैं कि मैं इसे लगभग खत्म कर चुकी हूँ और बस इतना ही बचा हुआ है। एंड इसका जो टेक्सचर है ये ग्रीन है एंड इसका जो स्मेल है ये, इसका स्मेल अच्छा नहीं है। और ये जो है ये आपको फेस को रिजुविनेट करता है, मतलब कि आपकी फेस को लाइक डल हो चुका है तो आपकी जो फेस है उसको लाइक क्या चार्ज अप कर देगी, आपका स्किन को जो है चार्ज अप कर देगी एंड बहुत ही फ्रेश लुक आएगा इसके हेल्प से अगर ये आप अप्लाई करते हो तो। और ये आप ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हेल्दी लुक आएगा, बहुत ही लाइक एक फ्रेश लुक आपको इस फेस पैक के साथ मिलेगी। एंड ये है दूसरा जो मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है, और ये है ऑलिव डीप क्लींजिंग फेस मास्क 60 ग्राम एंड ये भी पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री है। गुड वाइब्स का हर एक प्रोडक्ट ही क्रुएल्टी फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री होता है। एंड इसका भी जो एमआरपी है ये है 235 रुपीज। और मैंने ये तो गिफ्ट में पाया था तो इसका प्राइस तो नहीं पता, और ये मैंने खरीदा था, अगर मुझे प्राइस मिल जाती है तो मैं आपको जो है स्क्रीन पे दे दूंगी। ओके, तो
तो इसे भी इसका भी जो इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए, मेरे कहने से भी ज्यादा हेल्प हो सकती है। मैं तो दो तीन बताऊंगी और मैं अगर दिखा दूंगी तो आपको सारे दिख जाएंगे। तो हाँ, ये सब इसमें इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है एंड लेट्स ओपन इट। और ये भी वैसे ही सेम पैकेजिंग है दोनों की, एक लाइक टब में आता है, बहुत ही स्टडी टब्स हैं एंड ये गोल्डन कैप होता है ऊपर एंड जस्ट ये इनर कैप भी होता है। बस एक ही चेंज गुडवेव से किया है कि इस वाले में ऐसे पकड़ के खींचने का एक है लेकिन इसमें नहीं है, और जो कि खोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, हम फिर भी खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं सेम दोनों की जो कलर है, जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ही सेम लग रहा है एंड इसका जो स्मेल है ये नेचुरल सा एक स्मेल लग रहा है, बहुत ही अच्छी स्मेल है एंड इसका ना जो स्मेल है ये बहुत ही केमिकल लगता है, मुझे पता नहीं क्यों। इसका स्मेल तो वैसे ठीक ठाक है, इसका जो स्मेल है ये आपको लगेगा कि नेचुरल ऑलिव स्मेल है एंड इसका जो टेक्सचर है वो मैं आपको हाथ पे लेके दिखा देती हूँ। एकदम बटरी सा इसका टेक्सचर है। तो ओके, सब कुछ डिटेल्स में मैंने बता दिया है। तो अब फेस पे अप्लाई करते हैं दोनों ही एक मास्क, और लगाने से पहले मैं मेरा जो हेयर बैंड है इसे लगा लूंगी ताकि मेरा जो हेयर है वो मुंह पे ना आए एंड देन जस्ट टेक दिस मिरर। और पता नहीं कौन सी वाली से स्टार्ट करूँ, कौन सी करती चल रही हूँ। ओके, तो मैं मेरे पुराना वाला जो है ये थोड़ा सा जो ड्राई हो चुका है विंटर की वजह से शायद, तो मैं इसे स्टार्ट करती हूँ एंड पहले तो मैं इस साइड पे जो है ये है ग्रीन टी वाला ये मैं लगाऊंगी एंड इस साइड पे जो है ऑलिव वाला लगाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके पास एप्लीकेटर ब्रश है तो आप एप्लीकेटर ब्रश से भी लगाएं, एप्लीकेटर ब्रश तो नहीं है तो मैं अपने हाथ से ही इसको लगा लूंगी। तो मेरा जो फेस है इसमें मैं अच्छी तरीके से कोटिंग कर लूंगी ताकि, और लगाने की बात मैं कैसे लगूंगी ये मुझे पता नहीं क्योंकि जो इसका कलर है ना उसकी वजह से। तो बस इसको ऐसे ही जो है मैं आधा फेस पे ही अप्लाई कर लूंगी आगे ना एंड अब जब भी फेस मास्क अप्लाई करो ध्यान में रखना कि आपकी आई एरिया है उसको कवर नहीं करना है, उसको छोड़ के आपको बाकी फेस में अप्लाई करना है। और बस ऐसे नहीं अच्छी तरीके से लगा लीजिए, थोड़ा सा इधर निकल जाए नहीं कोई बात नहीं। परफेक्ट, ओके, तो मैंने बहुत ठीक लग गया। ओके, तो मैंने जो है अपनी जो ये फेस मास्क है ये मैंने हाफ पोर्शन पे लगा लिया है ग्रीन टी वाला एंड मैं अब जो है ये ऑलिव वाला ये ऑलिव डीप ग्रीन फेस मास्क ये अप्लाई करने वाली हूँ दूसरी साइड पे। और इसका कैप में जो है ये बहुत सारा है तो मैं पहले इसे अप्लाई कर लेती हूँ। तो कलर बिल्कुल ही सेम आपको लगेगी शायद, लेकिन ग्रीन टी की जो सॉरी ग्रीन टी की जो टेक्स्चर है उसके हिसाब से इसकी जो टेक्स्चर है ये थोड़ी सी पतली है, इसकी जो टेक्स्चर है उसके मुताबिक ग्रीन टी वाली थोड़ी सी और ठीक है लेकिन ये थोड़ा सा पतला है। और इसका जो स्मेल है ये पिंकी से अच्छा है, मुझे पिंकी का जो मस्त है गुडवेव के ऊपर जो स्मेल है वो अच्छा नहीं लगा, वो बहुत ही एक केमिकल सा स्मेल है लेकिन पता है कि उनकी जो प्रोडक्ट है उस पर पैराबिन सल्फेट कुछ भी नहीं होता है लेकिन फिर भी मुझे उसका स्मेल पसंद नहीं है। काम अच्छी तरीके से करते हैं ये मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैं ये पहले भी बहुत यूज़ कर चुकी हूँ और इसकी वजह से मेरी जो टब है वो खाली हो चुका है लगभग, उनका नहीं हो गया तो मैं बता सकती हूँ आपको। और ये भी मैं पूरी फेस पे अप्लाई करूँगी, आप देख सकते हैं दोनों की जो टेक्स्चर है वो डिफरेंट है लेकिन दोनों की जो कलर है वो सेम ही है लगभग। वैसे तो लगाने की तो ये आपको 3 मिनट तक जो है लगा के रखना है आपके फेस पे एंड सो अब सो यह मैं अब
आपको 10 मिनट बाद ही मिलूंगी रिजल्ट। इसका जो है 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है और ये भी दोनों साइड ही थोड़ी थोड़ी ड्राई हो चुकी है, सो मैं अब इसे वॉश भी कर सकती हूँ। एंड अगर आप चाहे, सॉरी मैं तो वॉश करूंगी, और अगर आप चाहे तो इसे लाइक कोई वेट टॉवल के साथ या तो फिर वेट वाइप्स के साथ भी आप इसको क्लीन करके देन फेस को वॉश कर सकते हैं। और फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली वाटर से वॉश कर लीजिए एंड देन इट्स ओके, इट्स फाइन। सो ओके, मैं अभी फेस को वॉश करके देन आपको दिखाती हूँ कि रिजल्ट कैसा मिला है। और याद रखना, मेरा जो ये राइट साइड है, राइट साइड में मैंने ग्रीन टी वाली अप्लाई किया था और लेफ्ट साइड में मैंने ऑलिव वाली। सो मैं यहाँ पे जो है फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। मैं इस साइड पे जो है ग्रीन टी वाली अप्लाई किया था, जो है रिजुविनेटिंग फेस मास्क, और इस तरफ पे ऑलिव वाली यूज किया था, जो है डीप क्लींजिंग फेस मास्क। तो मैं अगर क्लोजअप दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस कितना है। मुझे ग्रीन टी वाली ज़्यादा पसंद आई पर्सनली। मुझे ये लगा कि मेरी जो स्किन है वो ग्रीन टी वाली जो साइड है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक हाइड्रेटिंग एंड बहुत एक क्लीन सी लुक आ रहा है ऑलिव की, ऑलिव वाला से ज्यादा। लाइक ये कह रहा है कि आप ये क्लींजिंग मास्क है, और ये ना इस तरफ मुझे थोड़ी सी ड्राइनेस फील हो रहा है अभी इसी वक्त, और इस तरफ पे वैसे कोई ड्राइनेस और खिंची खिंची सी महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरफ पे थोड़ी सी जो है ड्राइनेस फील हो रही है। एंड मेरे मुताबिक अगर आपको ऑलिव चाहिए, अगर आपको डीप क्लींजिंग कोई फेस मास्क चाहिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लेना चाहेंगे तो आप जो ग्रीन टी वाली है वो ले सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी वाली भी आपकी स्किन की जो आपको जो स्किन है उसको क्लीन करेंगी। हाँ, डीप क्लीन नहीं करेगी लेकिन क्लीन करेंगे, एंड उसके साथ साथ ये जो है आपकी स्किन को एक लाइक रिचार्जेबल लुक देगी एंड बहुत फ्रेश नजर आएगी आपकी जो स्किन है। लेकिन ऑलिव वाला जो है ये डीप क्लीन तो करेगी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ड्राइनेस फील हो रहा है इस तरफ पे, एंड आपको दिख भी रहा होगा शायद कि दोनों में डिफरेंसेस है। इस तरफ जो है ये बहुत ही लाइक बहुत फ्रेश लुक आ रहा है इस तरफ से, एंड ये वाली जो सेम इस तरफ से आपको वैसी कोई लुक नहीं आ रहा होगा, मुझे तो नहीं आ रहा है। और वैसे तो मैं दोनों की ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको सब मिल जाएगी वहां पे। एंड बस इतना ही। और ऑलिव में कोई हाइड्रेशन नहीं है यार, ऑलिव जस्ट आपको आपकी जो स्किन है इसको क्लीन कर देगी, इसका ड्यूटी खत्म। और ये जो ग्रीन टी वाली है ये आपकी स्किन को थोड़ी सी मॉइस्चराइज्ड करेगी, थोड़ी सी क्लीन करेगी, एंड उसके साथ साथ आपको फ्रेश लुक प्रोवाइड करेगी। सो तो मुझे लगता है कि ग्रीन टी ज़्यादा अच्छी रहेगी लेने के लिए। और बस इतना ही, मैंने जो मेरा जो मुझे लगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको ये वाली मेरी वीडियोस अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी हेल्प किया है, सो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन। और मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन, बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, लव यू, बाय गाइज़।